नमस्कार, टारगेट वीरालो के 8 पीएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.4% घटाया, मासिक किस्त पर पड़ेगा असर। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार के 21वें सत्र का आयोजन, मध्य प्रदेश की परंपरा और संस्कृति को किया उजागर। आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत, 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती किया, जिससे कि नवीनतम रेपो रेट 4% पर आ गया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को भी 0.4% घटाकर 3.35% कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने लोन चुकाने की अवधि में भी 3 महीने की राहत दी है। इस तरह अब लोन की किस्त चुकाने की कुल अवधि 6 माह हो गई। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक समय से पहले करना पड़ा। आपको बता दें कि यह बैठक पहले जून के पहले हफ्ते में प्रस्तावित थी। उन्होंने कहा कि बैठक में 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट के कटौती के पक्ष में मतदान किया, जबकि 1 सदस्य ने विरोध में मतदान किया। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंक ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया। अब दूसरी बैठक में कोरोना से बने हालात को देखते हुए रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया। गवर्नर ने आगे कहा, देश में महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है, जबकि पेट्रोलियम बिजली उत्पादों की खपत में कमी दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि जब बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो बैंक लिए गए कर्ज पर जिस दर से ब्याज आरबीआई को देते हैं उस ब्याज दर को रेपो रेट, जबकि बैंक जो रकम आरबीआई के पास रखते हैं उस पर मिलने वाले ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार के 21वें सत्र का आयोजन 19 मई 2020 को किया गया। इस सत्र में अतुल्य भारत के दिल और प्रदेश की राजधानी भोपाल की परंपरा, संस्कृति और पर्यटन पर चर्चा की गई। पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशक सुश्री रुपिंदर ब्रार ने इस सत्र का संचालन किया और इंडिया सिटी वॉक की सौमी रॉय और श्री हिमांशु राणा ने इसे प्रस्तुत किया। प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी ऊपरी और निचली 2 झीलें, अपने विरासत स्थलों, प्राचीन गहनों, फैब्रिक आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वेबिनार में भोपाल के ऐतिहासिक तथ्यों, वास्तुकला, कवि इकबाल की साहित्यिक दुनिया और रानी कमलापति से लेकर शाहजहां बेगम जैसी महिलाओं की कहानियों का भी जिक्र किया गया। भोपाल एक बहुआयामी गंतव्य है, यानी धरोहर स्थल से लेकर अपने शुद्धतम रूप में जैव विविधता से समृद्ध भूमि तक। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षकों में सांची, विदिशा, खजुराहो, मांडू, भीमबेटका, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंदेरी और कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत कर 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों को नेशनल गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आने वाले लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के साथ साथ अन्य इच्छुक कर्जदारों को NCGTC की ओर से अतिरिक्त फंडिंग की 100% गारंटी दी जाएगी। इससे कोविड-19 की वजह से सुस्त पड़ी आर्थिक रफ्तार को पटरी पर लाया जा सके। इस योजना के तहत ऋण की अवधि 4 साल होगी, जिसके लिए 1 वर्ष तक कोई भी EMI देय नहीं होगा। इसके बाद ब्याज दर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25% और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 14% होगी।
इस महामारी में आर्थिक गतिविधि ठप होने की वजह से देश में बेरोजगारी का ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। MSME और विनिर्माण गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में MSME की अहम भूमिका को देखते हुए सस्ते दर पर ऋण देने का फैसला इन सेक्टरों को कुछ हद तक पटरी पर लाने में मदद करेगा। इससे प्रस्तावित योजनाओं को पूरी करने के लिए रोजगार सृजन भी किया जा सकेगा। अब देखना ये है कि वास्तविकता के धरातल पर यह किस हद तक उतर पाता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रतिवर्ष 21 मई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इसका आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्य स्मृति में किया जाता है। श्री गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वर्ष 1984 में अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला और मात्र 40 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बने। 21 मई 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी को विज्ञान से विशेष लगाव था। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करना है। संपूर्ण विश्व में 20 मई 2020 को विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय वैश्विक व्यापार के लिए माप या मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड है। गौरतलब है कि यह दिवस 1875 में मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कार्मेन रेनहार्ड को विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर कार्मेन 15 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपेस ने इसकी घोषणा 20 मई को किया। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर कार्मेन अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं वित्तीय संकट विषय की अर्थशास्त्री हैं। वित्तीय संकटों पर इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफ के साथ मिलकर दिस टाइम एट डिफरेंट एट सेंचुरीज ऑफ फाइनेंशियल फोली नाम की पुस्तक लिखी। इनकी यह पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय भी रही थी। हाल ही में बच्चों के उपचार के लिए एक नई लीसा तकनीक की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत राजस्थान के जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वारा किया गया। लीसा का उपयोग समय से पहले बच्चों में फेफड़ों की बीमारी के उपचार के लिए किया जाएगा। नवजात शिशुओं के अपरिपक्व फेफड़ों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लीसा को सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया गया है। लीसा का समय पूर्व शिशुओं के जीवन को बचाने में मदद करेगा। कोविड-19 वायरस वैक्सीन के ऊपर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लैब में ट्रायल चल रही है। माना जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे महंगी और ज़्यादा डॉक्टरों वाली टीम है। इस टीम ने महज एक महीने के अंदर दावा किया है कि चूहे की प्रजाति गिनी पिग पर ट्रायल के बाद जब लैब में बन रही वैक्सीन का ट्रायल बंदरों पर किया गया तो नतीजे काफ़ी सकारात्मक रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंदरों को सबसे पहले लैब में बन रही वैक्सीन दिया गया, उसके बाद बंदरों के अंदर कोरोना वायरस छोड़ा गया। इस पूरे प्रक्रिया में पाया गया कि बंदरों ने खुद ही एंटीबॉडी विकसित कर लिया, जिससे संक्रमण फैलने के बजाय अंदर ही समाप्त हो गया। यह दवा कई चरणों को पार कर चुकी है। अब इसका ट्रायल इंसानों पर किया जा रहा है। प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधों को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता में कमी से बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसे प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों को अवसर प्रदान करना है, प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना,
एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का नया अध्यक्ष चुना गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।